जेहि सुमिरते सिधि होई अगन नायक करिवर बदन अकरहु अनुग्रह सोई बुद्धि राशि शुभ गुण सदन ओमु को ही बाचाले पंगु चढ़ाई गिरिवर गहना अजासु कृपा सदयाले द्रवों सकल कली मल दहन बंदहु गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर रूपहरी अमहा जासु बचन रवि करनी कर। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। तो यह सब भगवान भोलेनाथ जी की कृपा है जो आप लोगों का सहयोग इस कली काल में प्राप्त हो रहा है। जैसा कि अनुभव कर चुके हैं कि परमपिता परमात्मा के संकल्प से ही देवताओं और ऋषियों की उत्पत्ति होती और ऋषि प्रजा उत्पन्न करने के लिए अग्नि और स्त्री का उपयोग करते। तो ऋषि और देवता इन दोनों के ऊपर जब मन की गति जाएगी तब जाके शरणागत भाव प्राप्त होगा, नहीं तब तक अंडर में रहेंगे देवता और ऋषि के, अंडर में रह जाएंगे। राक्षसों को तो फूंक दीजिए उड़ जाए, ठीक ना? अहंता आसक्ति ममता कामना फल इच्छा मान सम्मान पूजा प्रतिष्ठा शरीर के लिए पाना ये सब असुरी संपदाएं हैं। ये सब असुरी संपदाएं हैं। तो कहेंगे महाराज देवी देवता का भी पूजा होता तो क्या वो सज्जने असुर हैं? नहीं, उनकी नियुक्ति है, उनके लिए आप श्रद्धा भाव से वेद विधि के साथ
यज्ञ का अनुष्ठान करेंगे वे आपको उतना फल अवश्य देंगे। इसलिए वे पूजनीय हैं। और राक्षस लोग ज्यादा करवा के कम पैसा दे ले देखे तो राक्षस लोग जितना करवे ओहू में काटे के नहीं। ते जीवन में तू सभे जितना प्रयास करे है काटे के चक्कर में तो वो कुल राक्षसन का कार्य रहा। कभी कोई के हक मारे के न चाहिए। अभी नहीं बाकी हसबत है वही में मिल जाई है। कहे कि हक मारे के चक्कर में जने ही माया जगत पर वह करवा वाला सब देखो नहीं करे बा कभी को गणेश जी बोला कि नहीं कि अपन कम में काम हो जाए। हाँ वह तो चक्कर बा कम में काम ठीक नहीं कम में काम हो और खाली बस बाती में लहर है। हाँ बताया कह दे तो क्या भाई देवे जाते क्या कहे रह तो इज्जत सम्मान बना रहे याने? तो ध्यान दे नौ परम पवित्र गुण ब्राह्मण के सुने सम दम तप शौच क्षमा सरलता ज्ञान विज्ञान और आस्तिकता। उसी प्रकार क्षत्रिय के 10 गुण सुने ब्राह्मण के 9 और क्षत्रिय के 10 ठीक। पहला गिन लीजिए सूर वीरता, दूसरा तेज, तीसरा धैर्य, चौथा युद्ध में चतुरता, चतुरता चौथा, पांचवा युद्ध में न भागना, छठवां दान देना, सातवां स्वामी भाव और आठवां विषयों में आसक्त न होना। विषयों में आसक्त न होना आठवा हो गल। नौवा यज्ञ करना और दसवा प्रजा की रक्षा करना। ये तो खाली दोष कहते ना भाई और बहुत बा ठीक ना। लेकिन पहले जो सबसे पहला काम हो पहले तो ये हो कि सर्वाधार परमात्मा ही यानी अहम भाव ना हो। जो सबसे पहली आवश्यकता बा अहम भाव ना हो। अब देखिए सृष्टि में जो भी है अनेकों प्रकार के कर्म है तो हर कोई तो एक प्रकार का कर्म नहीं कर सकता। स्थिर बुद्धि वाले भी प्राणी होने चाहिए कि नहीं कि सब कपटी होना चाहिए ठीक। नीति धर्म का रक्षा करे वाले भी होने चाहिए नहीं। कृषि व्यवसाय करे वाले भी होने चाहिए और सेवादार भी होने चाहिए ये ने
तो यह जो ब्राह्मण और क्षत्रियों के धर्म रहे, इसमें जिस ब्राह्मण का अपने धर्म के प्रति लगाव नहीं है, जिस ब्राह्मण का अपने धर्म के प्रति लगाव नहीं है, वह उतना ही वर्ण संकर है, वह उतना ही वर्ण संकर है। और ठीक उसी प्रकार जिस क्षत्रिय का अपने धर्म में लगाव नहीं है, वह भी उतना ही वर्ण संकर है। ठीक। अब वैश्य और शूद्रों के स्वाभाविक कर्म बतलाते हुए भगवान श्री कृष्ण जी महाराज श्रीमद् भागवत गीता के 18वें अध्याय के 44वें श्लोक में कहते हैं कि कृषि गौरक्ष वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम परिचर्यात्मकम कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजम। अर्थात खेती करना, गोपालन और क्रय विक्रय रूप सत् व्यवहार, क्रय विक्रय रूप सत्य व्यवहार ये वैश्य के स्वाभाविक कर्म है तथा इन तीनों वर्णों की सेवा करना, शूद्र का भी स्वाभाविक कर्म है। अब इसको समझा जाए कि कृषि यानी खेती करना क्या है, तो न्याय अनुकूल जमीन में बीज बोकर गेहूं जौ चने मूंग धान मक्की उड़द हल्दी धनिया आदि समस्त खाद्य पदार्थों को, कपास और नाना प्रकार की औषधियों को, और इसी प्रकार देवता मनुष्य और पशु आदि के उपयोग में आने वाली अन्य पवित्र वस्तुओं को उत्पन्न करने का नाम कृषि यानी खेती करना है। महाराज जी तुम्हें जाना था ही नहीं। गौरक्ष यानी गोपालन किसको कहते हैं? तो नंद आदि गोपों की भांति गौओं को अपने घर में रखना, उनको जंगल में चराना, घर में यथा आवश्यक चारा देना, जल पिलाना तथा व्याघ्र आदि हिंसक जीवों से उनको बचाना, उनसे दूध दही घृत आदि
पदार्थों को उत्पन्न करके उन पदार्थों से लोगों की आवश्यकताओं को पूर्ण करना, ठीक ना, और दूध उतना ही निकालना जितना बछड़े से बच जाए, माने जय भाई बछड़ा के छोड़ दे, जब पी के वो मस्त होके हट जाए फिर जोन बचे उतने ही नहीं खाए तैसा जोन हो पहनाए भर के दे याद ला उकरे बाद होके खींच के ने तो सबकर बुद्धि कहीं ने इटी तब कुछ हो एक को पौआ ना निकली वो कूल मार जाए को राम खुलान भाई दरअसल ना मनुष्य के जौन जीवन बा इमें कुल मिला के पावे के बाद वैराग्य अब उस संतोष के रास्ते बा और लोभी मनुष्य के अगर ऐसे बताइए कहिए कि कुल जो है हाँ ठीक। और जो दूध दही मक्खन घी प्राप्त हो उसके परिवर्तन में प्राप्त धन से अपनी गृहस्थी के सहित उन गांवों का भली भांति न्याय पूर्वक निर्वाह करना, गौ रक्ष यानी गोपालन है जाने, इन्हें पैसा मिला तो बस खरी चुनी नहीं कुल अपने काम में, ठीक ना। पशुओं में गौ प्रधान है तथा मनुष्य मात्र के लिए सबसे अधिक उपकारी गौ ही है, इसलिए भगवान यहाँ पशुपालनम पद का प्रयोग न करके उसके बदले गौ रक्ष पद का प्रयोग किए हैं। अतएव यह समझना चाहिए कि मनुष्य के उपयोगी भैंस ऊंट घोड़े और हाथी आदि अन्य पशुओं का पालन करना भी वैश्यों का कर्म है। अवश्य ही गोपालन उन सबकी अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण कर्तव्य, ठीक ना। अब वाणिज्य व्यवसाय यानी बिजनेस यानी क्रय विक्रय रूप सत्य व्यवहार क्या है, तो मनुष्यों के और देवता पशु पक्षी आदि अन्य समस्त प्राणियों के उपयोग में आने वाली समस्त पवित्र वस्तुओं को धर्मानुकूल खरीदना और बेचना तथा आवश्यकता अनुसार उनको एक स्थान से दूसरे स्थान में पहुंचाकर लोगों की आवश्यकताओं को पूर्ण करना वाणिज्य यानी क्रय विक्रय रूप व्यवहार है। वाणिज्य करते समय यानी व्यापार करते समय वस्तुओं के खरीदने और बेचने में तौल माप और गिनती आदि से
कम दे देना या अधिक ले लेना, वस्तु को बदल कर या एक वस्तु में दूसरी वस्तु मिलाकर अच्छी के बदले खराब दे देना या खराब के बदले अच्छी ले लेना, है ना? ध्यान दे, नफा आढ़त 5% वाला और दलाली आदि ठहरा कर उससे अधिक लेना या कम देना। इसी तरह किसी भी व्यापार में झूठ, कपट, चोरी और जबरदस्ती का या अन्य किसी प्रकार के अन्याय का प्रयोग करके दूसरों के स्वत्व को हड़प लेना, देखो जितना हिस्सा बनता है ना, ओके, हड़प लेना, ये सब वाणिज्य के दोष हैं। ये सब व्यापार के दोष हैं। इन सब दोषों से रहित जो सत्य और न्याय युक्त पवित्र वस्तुओं का खरीदना और बेचना है, वही क्रय विक्रय रूप सत्य व्यवहार है। लोग कहिए महाराज ऐसे कहाँ फायदा होई? नहीं, जब पक्का पक्का करवे तो कितना फायदा होई? लड़कन का फीस होना निकली नहीं तो कौनो उदाहरण बा तो पृथ्वी वीरों से खाली नहीं बा। तो श्री राम जी जिस नगरी की यात्रा किए, जो ज्ञान का केंद्र ही है, ऐसे काशी में उत्पन्न तुलाधार वैश्य इस व्यवहार से ही सिद्धि प्राप्त किए हैं। तुलाधार नामक बनिया, ठीक ना, वे इसी व्यवहार से सिद्धि प्राप्त की है। बिल्कुल सत्य का व्यवहार। तुलाधार जी के बारे में चर्चा होगी, इस प्रसंग को पूर्ण हो जाए तो। ये वैश्यों के स्वाभाविक कर्म है, समझे? ये वैश्यों के स्वाभाविक कर्म है, और जो इस कर्म में दोष रखता है उसे वेश्या कहते हैं। फिर वह वैश्य नहीं रहा, क्या हो गया? वेश्या। जिसकी वृत्ति बिगड़ जाए सत्य से झूठ की ओर चल दे, वह ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो या शूद्र हो, वे सब वो शंकराचार्य हो, महामंडलेश्वर हो, धर्मगुरु हो, कोई हो, जिसकी वृत्ति भगवान की भक्ति से सत्य से अलग है, वह मात्र वेश्या है। क्योंकि उसकी वृत्ति बिगड़ी है, वह संपर्क में आने वाले की वृत्ति को बिगाड़ेगा ही। जैसे एक वेश्या के संपर्क में आने पर मनुष्य की जो पवित्र वृत्ति अपने पत्नी के प्रति होती है वह बिगड़ जाती है, तो जो वृत्ति को बिगाड़ दे
उसे वेश्या कहते हैं, ठीक ना। तो ये वैश्यों के स्वाभाविक कर्म है। तो कहिए महाराज आज के नहीं जो है कि एयर ओवर करो था सबे तो करो था तो सबे करो था तो सबे वेश्या बाबू में कौन बड़ी बात बा ये ने। चूंकि भगवान कृष्ण जी यहाँ यह भाव दिखलाए हैं कि वैश्य के स्वभाव में तमो मिश्रित रजो गुण प्रधान होता है, माने उन्होंने के ध्वनि होवे के लालसा बड़ा प्रचंड होला, नहीं कितना कमा ले, ठीक ना। इस कारण उसकी उपर्युक्त कर्मों में स्वाभाविक प्रवृत्ति हो जाती है। उसका स्वभाव उपर्युक्त कर्मों के अनुकूल होता है, अतएव इनके करने में उसे किसी प्रकार की कठिनता नहीं मालूम होती। अखे पंडित जी दुकान खोल के बैठे तो उन्हें कोई आगे कह पालेगी गुरु तो शर्मा जी हैं कि भाई पंडित अब बनी उठी करत आई है ना ही। आजकल तो अब कुल एक का वृत्ति हो गल ना, अब कहाँ वो रहेगा। ठीक मनु स्मृति में तो उपर्युक्त कर्मों के अलावा यज्ञ अध्ययन और दान तथा ब्याज लेना ये चार कर्म वैश्य के लिए अधिक बतलाए गए हैं। जाने यहां उनका वर्णन क्यों नहीं किया गया तो यहाँ वैश्य के स्वभाव से विशेष संबंध रखने वाले कर्मों का वर्णन है। यज्ञ आदि शुभ कर्म द्विज मात्र के कर्म हैं, अतः उनको उसके स्वाभाविक कर्मों में नहीं बतलाया गया है। और ब्याज लेना वैश्य के कर्मों में अन्य कर्मों की अपेक्षा नीचा माना गया है। ब्याज लेना नीचा माना गया है, इस कारण उसकी भी स्वाभाविक कर्मों में गणना नहीं की गई है। इनके सिवा सम दम आदि और भी जो मुक्ति के साधन हैं, उनमें सबका अधिकार होने के कारण वे वैश्य के स्वधर्मों से अलग नहीं हैं, किंतु उनमें वैश्य की स्वाभाविक प्रवृत्ति नहीं होती है। कोई बनिया के कहे मन स्थिर करो निष्काम सेवा करो कही तब तुम्हारा व्यापार गयल, उसमें उनकी स्वाभाविक प्रवृत्ति नहीं होती है। इस कारण उसके स्वाभाविक कर्मों में उनकी गणना नहीं की गई है, ठीक ना। परिचर्यात्मकम यानी प्रजा देखिए कॉल है, सब वर्णों की सेवा करना। कभी कोई क्या मजबूरी करेगा है नहीं ने मजबूरी करे कहाँ गौ है। कभी नैया से कोई के पार करे है
ने तो उपर्युक्त द्विजाति वर्णों की अर्थात ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्यों की दास वृत्ति से रहना, जनक खिलौन भाई, दास वृत्ति से रहना, उनकी आज्ञाओं का पालन करना, घर में जल भर देना, कुहारन का काम बना, स्नान करा देना, उनके जीवन निर्वाह के कार्यों में सुविधा कर देना, दैनिक कार्य में यथा योग्य सहायता करना, उनके पशुओं का पालन करना, उनकी वस्तुओं को संभाल कर रखना, कपड़े साफ करना, छौर कर्म करना आदि जितने भी सेवा के कार्य हैं, उन सबको करके उनको संतुष्ट रखना अथवा सबके काम में आने वाली वस्तुओं को कारीगरी के द्वारा तैयार करके उन वस्तुओं से उनकी सेवा करके अपनी जीविका चलाना, ये सब परिचर्यात्मकम यानी सब वर्णों की सेवा करना रूप कर्म के अंतर्गत है, यानी तो ये कुल नौ करी है। भीख मांगा बड़ा आसान बा, चल दी है जौने भाव से ला जा रहे प्रजा ही साहब, तो प्रजा है तो साधु के भेष पर ठहर कर ख्याल बा, ये ने सही बता भे सूत गगर है देखा उनसे पूछो ना क्या अपना पोल खोल दे तो ध्यान दे। यह शूद्र के स्वाभाविक कर्म है सेवा भाव, जाने जाने ने आजकल तो जो है हाउ निकला बने आरक्षण शूद्रन के प्रधान बना देता है, माने जेके सेवक रहा ओके सीट मिल जाता उनमें कोई, जबकि राजा के कार्य खाली जो है छत्री के बदे बा, छत्री के अलावा राज कर्म के व्यवस्था और कोनो वर्ण धर्म के बदे पंडितों बदे ना ही बाहो पंड या ने ठीक ने कोई बात नहीं तो छिपा करके सब कर रहे हैं काम के सब वही या ने तो शूद्र के स्वभाव में रजो मिश्रित तमोगुण प्रधान होता है, इस कारण उपर्युक्त सेवा के कार्यों में उनकी स्वाभाविक प्रवृत्ति हो जाती है, एक कर्म उनके स्वभाव के अनुकूल पड़ते हैं, अतएव इनके करने में उन्हें किसी प्रकार की कठिनता का बोध नहीं होता। तो यहां अपि अपि शब्द का प्रयोग करके भगवान यह भाव दिखलाए हैं
कि जैसे दूसरे वर्णों के लिए उनके अनुरूप अन्य कर्म स्वाभाविक है, जैसे ब्राह्मण के बदे क्षत्रिय बदे सुन ले तो उनके बदे उस स्वभाव में बा, जवन भाव स्वभाव में बा वो कर्म करे में असुविधा नहीं बा। तो दूसरे वर्णों के लिए अनुरूप अन्य कर्म स्वाभाविक हैं, इसी तरह शूद्र के लिए भी सेवा रूप कर्म स्वाभाविक है। साथ ही यह भाव भी दिखलाया है कि शूद्र का केवल एक सेवा रूप कर्म ही कर्तव्य है। कुल राष्ट्रपति बना देता है शूद्रन के जाने, तो वो सब का करी है उनके क्या उतारते नहीं बा। और वही उनके लिए स्वाभाविक है, अतएव शूद्रों के लिए सेवा धर्म करना बहुत ही सरल है, बहुत ही सरल है। यानी तो अभी संसार के बारे में तो कुछ कहना भी नहीं है, लेकिन कोई चमार था अम्बेडकर करके, तो वह निकाला कि सबका खून लाल है, चमार भी ब्राह्मण बन सकते हैं। 7 साल में मैं चमारों को ब्राह्मण कर्म में फिट कर दूंगा। तब से कितने 100 साल बीत गए, कुछ हुआ नहीं, ठीक ना। बल्कि व्यवस्था ऐसी बिगड़ गई कि चारों आश्रम में एक भी प्राणी नहीं है जो कपट से मुक्त हो। आज 18 अगस्त 2018 है, ठीक। आज के दिन तक 4 आश्रम में रहने वाला एक भी व्यक्ति अगर कपट से मुक्त निकल जाए तो इस शरीर का गर्दन उड़ा दिया जाए। जितनी मनुष्यों की जो राक्षस रूप में आए, जिनकी फोटो और मूर्ति की पूजा हो रही है, ये सब दंभी कपटी और पाखंडी रहे हैं। चाहे मूसा, मुहम्मद, इब्राहिम, गुरु नानक, परमहंस, कबीर, बुद्धा, सुद्धा कोई हो, सिर्फ 5000 वर्षों से पाखंड पे पाखंड शुरू हुआ, और जो धर्म गुरु देश के नाम से जाना जाता था धरती पर, आज वह पाखंड पैदा करने वाला धरती का पहला देश हो चुका है। समझ रहे हैं? कारण कलयुग का प्रभाव, इसमें किसी का दोष नहीं है। हाँ, यह बाणी सुनने के बाद अगर एक कोई क्षत्रिय वीर पुरुष, एक ब्राह्मण वीर पुरुष, एक वैश्य और एक शूद्र, एक एक मात्र जो है अपने धर्म पे स्थित हो जाए, खाली एक, दो की बात नहीं है यहाँ पर, मात्र एक, उसी दिन से सतयुग का आरंभ शुरू हो जाएगा। क्योंकि उसके धर्म का आचरण देख करके तब धीरे धीरे वो बातें, लेकिन पक्का पक्का तनको कच्चा। तो जो वैश्य धर्म के लोग हैं, वैश्य वर्ण के लोग हैं, कहेंगे महाराज
अगर थोड़ा सा टेंगी टेनी पसना कुछ ना करब जी ना पाई, ऐसी बात नहीं है। श्री शिव जी की नगरी काशी यानी जो वर्तमान समय में वाराणसी नाम से कहा जाता है, उसी काशी में तुलाधार नाम के एक वैश्य व्यापारी थे, जिन्होंने वैश्य धर्म को अपने बनिया जाति के अनुसार आदर्श मानकर सत्य व्यवहार किए और वे महान तपस्वी और धर्मात्मा थे। जिसका सेवा भाव शूद्र हो, शूद्र का हो, और सेवा भाव में वह बिल्कुल मात्र जो है सेवा को ही अपना धर्म मान करके एकदम पक्का पक्का सेवा में लग जाए, तो उससे बड़ा धर्मात्मा वह जो है शंकर जी के मंदिर में पूजा करके दूध दुहाने वाला पंडित भी कहे कि जी अपने धर्म पे स्थिर होएगा, ठीक ना? भगवान कहे हैं भाइया कि स्वधर्म के पालन से मनुष्य परम सिद्धि को प्राप्त करता। ये अपना धर्म छोड़ दी, बाया पंडित जी और बन गई ले डॉक्टर इंजीनियर प्रोफेसर लगले जो है पैसा कमा करके बढ़िया जो है वीआईपी फ्लैट पे रह के गाड़ी से घूमे जाइलो से नहीं। तो यहाँ प्रश्न आई कि तब तहू तैसन कर ले, जब तक अज्ञान रहा तब तक हा, जब पता हो गल कि यह धर्म यही से काम हो वाला बा को भाई। सुनो क्या करबे जोन मेरारू के मलकिन बना गिलान जाने में, और आज तो शायद वो नियम बन गल ना, आज अब वो नियम बदल गया, दासी मलकिन शूद्र राजा जने, और एमे सब जने जो ना पूरे समाज के खाजा मेरारू मलकिन शूद्र राजा पूरे समाज के गुण लगा के खा जा नहीं चौपाई किसे पढ़वे कि औरत मलकिन अशूद्र ही राजा अगुड़ लगा के सब के खा जा। ये ना का बा अब एक लोगन के जो है लगा था कि नहीं बहुत बढ़िया हुई, क्या हुई अब ध्यान दे, अच्छे धर्मात्मा रहे इसलिए परम धाम में चित्त को स्थिर करके भी तुलाधार जी का नाम कितने प्रेम से लिया जा रहा, ठीक ना? तो जाजली नामक एक ब्राह्मण समुद्र तट पर कठिन तपस्या कर रहे थे, उनकी जटाओं में चिड़ियों ने घोंसले बना लिए थे। इससे उनको अपनी तपस्या पर गर्व हो गया, तब आकाशवाणी हुई, देखा गर्व अच्छी बात नहीं बा, आकाशवाणी हुई कि हे जाजली तुम तुलाधार के समान धार्मिक नहीं हो, वे तुम्हारी भांति गर्व नहीं करते।
तब जाजली जी तुलाधार जी को देखने के लिए, परीक्षा करने के लिए काशी आए और वे देखे कि तुलाधार फल फूल मूल मसाले घी आदि बेच रहे थे। तो तुलाधार जी ब्राह्मण देवता का स्वागत सत्कार और प्रणाम करके आसन पर बैठाए। ये उनका धर्म है। उस धर्म में उनको ऐसा नहीं है कि गर्व है तो फिर वो ब्राह्मण का जो है अपमान करे, ऐसी बात नहीं। उसके बाद कहे कि आपने समुद्र के किनारे बड़ी तपस्या की है, आपके सिर की जटाओं में चिड़ियों ने बच्चे पैदा कर दिए, इससे आपको गर्व हो गया और अब आप आकाशवाणी सुनकर यहाँ पधारे हैं, तो बतलाइए मैं आपकी क्या सेवा करूं। तो तुलाधार जी का ऐसा ज्ञान देखकर जाजली जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। तब जाजली जी ने तुलाधार जी से पूछे तब उन्होंने सुंदर धर्म का बहुत ही सुंदर निरूपण किया। तुलाधार जी वो वैश्य के रूप में बताए धर्म। जाजली जी ने तुलाधार जी के मुख से धर्म का रहस्य सुनकर बड़ी शांति प्राप्त की। महाभारत शांति पर्व में 261 से 264 अध्याय तक यह सुंदर कथा है, माने महाभारत के भी पहले की बात। जब महाभारत में यह कथा है तो उसके पहले की ही बात। ठीक, तो भगवान शूद्र के लिए केवल एक ही कर्म बतलाए हैं कि दोष दृष्टि छोड़कर तीनों वर्णों की सेवा करना। ठीक ना? तो भैया लोग कहेंगे कि ये सिर्फ ब्राह्मणों का जाल है, अपने मऊ जुड़ावा और हमने सेवा करी, कहे कि हम ना ही बुद्धि रहेगा बने। तो आजकल ऐसी बात कही जाती है कि वर्ण विभाग उच्च वर्ण के अधिकारारूढ़, ओके रूढ़ लोग बोला ले कि रूढ़वादी लोग ऐसा करें, लोगों की स्वार्थपूर्ण रचना है, ऐसा आजकल लोग कहते हैं। आप लोग अनुभव किए होंगे, परंतु ध्यान देने पर पता लगता है कि समाज शरीर की सुव्यवस्था के लिए वर्ण धर्म बहुत ही आवश्यक है और यह मनुष्य की रचना है भी नहीं। वर्ण धर्म की व्यवस्था यह कोई ब्राह्मण अपने से उत्पन्न नहीं किया है। वर्ण धर्म
की व्यवस्था के लिए भगवान परम पिता परमात्मा श्री कृष्ण जी महाराज वे चौथे अध्याय के 13वें श्लोक में साफ साफ कह चुके हैं स्पष्ट वाणी में कि चातुर्वर्ण्यम मया श्रीष्टम अगुण कर्म विभाग सह अतस्य कर्तारमयपि माम विध्य कर्तारमयव्ययम्। अर्थात ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र इन चार वर्णों का समूह गुण और कर्मों के विभाग पूर्वक मेरे द्वारा ही रचा गया है। जब भगवान खुद कह रहे हैं कि मेरे द्वारा रचा गया है तब फिर यहां नमक तेल लगावे के का जरूरत रहा, पखंडिया लोग करे बन। इस प्रकार उस सृष्टि रचना कर्म का कर्ता होने पर भी मुझ अविनाशी परमेश्वर को तू वास्तव में अकर्ता जान। जहां कर्तृत्व अभिमान नहीं बा वहां क्रिया से जहां कोनो संबंध नहीं बा तो कर्ता कैसे? संबंध रखे पर ही कर्तृत्व अभिमान पैदा होला। जोन कहले हम ही कुल करी का, तू खाली बैठ के दूसरे माने अपने अपने भाव के अनुसार हाँ, तो अगर कर्म से संबंध रखबे तब अभिमान हुई को भाई तो चित्त धाम तक पहुंचो उसे का लेना देना बहन। शिव जी के सेवा के अलावा बाकी कुछ नहीं बा ये ने? तो कर्म में जब तक संबंध रखबे तब तक तू सबे बेकार है, तब तक बेकार है। संबंध रखबे तो बात कह के पलटबे नहीं, संबंध रखबे तो में फल की इच्छा रही, कामना रही, ममता रही, आसक्ति रही, काय करती तो अभिमान वहां वाला अहंता आसक्ति ममता कामना कर्म फल इच्छा के बाद इतना कुल भरा रही और एकर पूर्ति न होई तो हर ओहर बात बदली और बदली तब चूतिया यह न 18 महीना तो हो गए थी ना नहीं कौनो बात से बदला होता तो रुख से दिखाई देता है, रुख दिखा देता खिलौन भार नहीं। लेकिन अब यहाँ तो रुख अनुभव नहीं भा, देखेब तो अनुभव हो जने। अब देखो यहाँ थोड़ा समझ लीजिए कि अब जे अपने धर्म पे पक्का बा जे एकदम नौका बन गा, नौका भी बन गा बैठाऊ ले खेतो बा को बा खेवाता कि नहीं, काफी पार हो गई ले संसार के बहुत फालतू चीज, अब जब पार होता है तो वो सब दूर ना हो जाए। जब ये पार से चल दे ले वो पार बदे तो ये पार वाला जितना बढ़त जीवे इतना ही सब छूटत जाए। तो गुण और कर्मों के विभाग से चारों वर्ण ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र भगवान श्री कृष्ण जी के द्वारा ही रचे हुए हैं।
भारत के दिव्य दृष्टि प्राप्त त्रिकालज्ञ महर्षियों ने भगवान के द्वारा निर्मित इस सत्य को प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त किए। ऐसा नहीं है इतिहास में ये सब नहीं पढ़ा जाए, जो रक्षसवन काम करके गाबान वह पढ़ा पढ़ा के सबके अंदर उद्वेग पैदा करिए। और इसी सत्य पर समाज का निर्माण करके उसे सुव्यवस्थित शांति शीलमय सुखी कर्म प्रवण स्वार्थ दृष्टि शून्य, जौन इसमें लोभ है दृष्टि बा तो स्वार्थ दृष्टि शून्य कल्याणप्रद और सुरक्षित बना दिए। सामाजिक सुव्यवस्था के लिए मनुष्यों के चार विभाग की सभी देशों और सभी कालों में आवश्यकता हुई है और सभी में चार विभाग रहे हैं और रहते भी हैं, परंतु इस ऋषियों के देश में भारत में वे जिस सुव्यवस्थित रूप से रहे वैसे कहीं नहीं रहे। यही से के धर्म गुरु देश बनावागा ना, कहे कि यहाँ का व्यवस्था एकदम फिट फिट रहा और कुल अंग्रेज मियाँ कुल आ करके यही में मिलावट करके पलट दहन या ना? तो ऐसे ही समझा जा शरीरियों के तो क्षेत्र कहा गाबा ने यो एक देश बा, तेमें मुंह का भी जरूरत बा, हाथ का जरूरत बा, हृदय का जरूरत बा, पैर का जरूरत बा। मुंह कहे कि हम हाथे का काम करब, हाथ कहे कि हम मुहे का काम करब, हृदय कहे कि हम गोड़े से गोड़ बन के चलब, तो काम हुई ठीक ना? तो ये क्या करवे, अब सब जने जो है कि पंडिते बने चाहते हैं, लेकिन यह कि यही से अव्यवस्थित होएगा, यही से अव्यवस्थित होएगा। तो समाज में धर्म की स्थापना और रक्षा के लिए और सामाजिक जीवन को सुखी बनाए रखने के लिए जहां समाज की जीवन पद्धति में कोई बाधा उपस्थित हो वहां प्रयत्न के द्वारा उस बाधा को दूर करने के लिए कर्म प्रवाह के भंवर को मिटाने के लिए उलझनों को सुलझाने के लिए और धर्म संकट उपस्थित होने पर, जैसे आज उपस्थित है, ढेर सारा पाखंड खुल गया, समुचित व्यवस्था देने के लिए परिष्कृत निर्मल मस्तिष्क की आवश्यकता होती। माने ऐसा मस्तिष्क जो चारों आश्रम से संपूर्ण भोगों से संपूर्ण पदों से संपूर्ण स्वार्थ से मुक्त हो, ठीक ना? अब ऐसा जब यहाँ समझ में आया और कोई नहीं बा तो भल की जब तुरे समझ में आ गल तो तू ही बन जा भगवान के कृपा से को भाई। तो देखो खराब बा एकर मतलब कि यहाँ से जौन आचरण बाणी सुनत आए है ये देखो
वो संतुलन बना हुआ था, यानी तो ऐसे निर्मल मस्तिष्क की आवश्यकता होती है। और ये सब कार्य विश्व गुरु का है, लेकिन जब गुरु का घंटाल हो गा बहन तो कहो जाए तो वो गुरु के भी बहरे आओ। ठीक, तो धर्म की और धर्म में स्थित समाज की भौतिक आक्रमणों की रक्षा करने के लिए बाहुबल की आवश्यकता है नहीं, जैसे ये ब्राह्मणों का कार्य है निर्मल मस्तिष्क रखना, माने स्वार्थ के परे नहीं। क्षत्रियों का कार्य है बाहुबल से धर्म की रक्षा करना। मस्तिष्क और बाहु का यथा योग्य रीति से पोषण करने के लिए धन की और अन्न की आवश्यकता है, और उपर्युक्त कर्मों को यथा योग्य संपन्न कराने के लिए शारीरिक परिश्रम की भी आवश्यकता है। इसलिए समाज शरीर का मस्तिष्क, समाज शरीर का मस्तिष्क ब्राह्मण है, बाहु यानी भुजा क्षत्रिय है, उर यानी हृदय वैश्य है, और चरण शूद्र है। चारों एक ही समाज शरीर के चार आवश्यक अंग हैं और एक दूसरे की सहायता पर सुरक्षित और जीवित है। घृणा या अपमान की तो बात ही क्या, इनमें से किसी की तनिक भी अवहेलना नहीं की जा सकती, जाने इतना एकता हुए के चाहिए। न इनमें नीच ऊंच की कल्पना ही है नहीं, अपने अपने स्थान और कार्य के अनुसार चारों ही बड़े है। ब्राह्मण ज्ञान बल से, क्षत्रिय बाहु बल से, वैश्य धन बल से, और शूद्र जन बल या श्रम बल से बड़ा है। जाने? और चारों की ही पूर्ण उपयोगिता है, इनकी उत्पत्ति भी एक ही भगवान के शरीर से हुई है। ब्राह्मण की उत्पत्ति भगवान के श्री मुख से, क्षत्रियों की बाहु से, वैश्यों की हृदय से, और शूद्रों की चरणों से हुई है नहीं। ये बतावे कोई के मन में तो के लड़का के कटबे, तो भगवान के मन में तो उनके लड़के बने सब चारों, तो कोई का भी अवहेलना करना यानी भगवान का अपमान करना। तो गणेश जी यही ने कि में कोनो समस्या वा तो एक बात और ध्यान रखिए कि चारों के पास अपना अपना तो बल है, अपने बल में वो शूद्र भी श्रम बल में बड़ा है नहीं, ये ने? परंतु इनका यह अपना अपना बल न तो स्वार्थ सिद्धि के लिए है
और न किसी दूसरे को दबाकर स्वयं ऊंचा बनने के लिए ही है। ऐसा नहीं बात जाने, यहाँ तो आत्मोद्भाव बात सब समझ में आवा था। ठीक, समाज शरीर के आवश्यक अंगों के रूप में इनका योग्यता अनुसार कर्म विभाग है और यह है केवल धर्म के पालने और पलवाने के लिए ही। धर्म का पालन करिए और आपके जो है धर्म पालन से प्रेरणा जाएगी तो दूसरे भी धर्म का पालन करेंगे। यह ना गणेश जी, ऊंच नीच का भाव न होकर यथा योग्य कर्म विभाग होने के कारण ही चारों वर्णों में एक शक्ति सामंजस्य रहता है। कोई भी किसी की न अवहेलना कर सकता है, न किसी न्याय अधिकार पर आघात कर सकता है। जाने इन है कि मजूरी करवाइले पैसा कम देता है, ओकर जितना बनो तो उतना दे। इस कर्म विभाग और कर्माधिकार के सुदृढ़ आधार पर रचित यह वर्ण धर्म ऐसा सुव्यवस्थित है कि इसमें शक्ति सामंजस्य अपने आप ही रहता है। कुल यही के तोड़े बाल, कुल ही कुल जोन मूसा मोहम्मद इब्राहिम उद्धा बुद्धा अबीरा कबीरा कुल मिलके यह शक्ति सामंजस्य के तोड़ दें। जब खोखला हो गया तो बाहर के लोग अटैक करें। 5000 साल पहले भी जोन देखा कुल पाखंडी लोग कर रहे, कृष्ण भगवान आए तो अपन मत बताएं कि वास्तव में त्याग तपस्या संन्यास का हो, उनकर मत के खंडित करें तब ना अपन मत बताएं। हाँ, तो स्वयं भगवान ने और धर्म निर्माता ऋषियों ने प्रत्येक वर्ण के कर्मों का अलग अलग स्पष्ट निर्देश करके तो सबको अपने अपने धर्म का निर्विघ्न पालन करने के लिए और भी सुविधा कर दी है और स्वकर्म का पूरा पालन होने से शक्ति सामंजस्य में कभी बाधा आ ही नहीं सकती। जाने आज ही वर्ण धर्म व्यवस्था कुछ नहीं रहेगा। यह ना भाई, तो ऋषि सेवित वर्ण धर्म में ब्राह्मण पद सबसे ऊंचा है, क्योंकि ब्राह्मण ही समाज के धर्म का निर्माता है। यानी आज लोग इस प्रकार का जो है भ्रम फैला दिए कि ब्राह्मण बहुत लूटे हम लोगों को, बहुत सताए, आज ये बात नहीं बताते कि क्यों ब्राह्मण के चरण धूलि से क्यों जो है राजाओं के मुकुट अभिशेषित हुआ करते थे, क्यों माता यशोदा कृष्ण भगवान को पुत्र के रूप में गर्ग ऋषि के चरणों पे डाल दी और कहीं कि ब्राह्मणों का आशीर्वाद से ही बच्चे का कल्याण होगा, क्यों परम पिता परमात्मा श्री राम जी गुरु वशिष्ठ जी का चरणोदक लिए। वे सब बात पाखंडी जनमानस को नहीं बताते। कैसे लोग अपने पत्नी को सजाकर उनके आश्रम में पहुंचा दे,
कैसे दूसरे का धन उनके आश्रम में उनके वेश्यालय में पहुंच जाए, कैसे दूसरे का जमीन हड़प ले, कैसे अन्न हड़प ले। इसके लिए जो युक्ति समझ में आता है ये सब पाखंडी लोग वही युक्ति लगाते हैं और जहां फंसते हैं वहां पर श्रीमद् भागवत गीता या श्री रामचरितमानस का ही सहारा है कि गुरु बिनु भव निधि तरई न कोई, जो बिरंचि शंकर सम होई। क्यों जब तुम्हारा अलग से पाखंड शुरू है तो क्यों नाम लेते हो? ठीक ना? तो देखिए, ब्राह्मण सबका गुरु और पथ प्रदर्शक है। पथ प्रदर्शक यानी गाइड, गाइडन है। परंतु वह धन संग्रह नहीं करता। देखो कुल गुण, वह धन संग्रह और न तो दंड ही देता है। ब्राह्मण को दंड देने का अधिकार नहीं है और न तो भोग विलास में ही रुचि रखता है। जाने स्वार्थ तो मानो उसके जीवन में है ही नहीं। आज देखो तो पंडित कुल लालची सबसे ज्यादा बाहर जाने। धन ऐश्वर्य और पद गौरव को धूल के समान समझकर वह फल मूलों पर निर्वाह करता हुआ सब परिवार शहर से दूर वन में रहता है। दिन रात तपस्या, धर्म साधन और ज्ञानार्जन में लगा रहता है और अपने सम, दम, तितिक्षा, क्षमा आदि से समन्वित महान तपोबल के प्रभाव से दुर्लभ ज्ञान नेत्र को प्राप्त करता है। जय भाई मोह के होला। तो देखो ज्ञान का नेत्र यही जोन हो, दिव्य नेत्र बा, और उस ज्ञान की दिव्य ज्योति से सत्य का दर्शन कर उस सत्य को बिना किसी स्वार्थ के, कुल देखा जाए बिना किसी स्वार्थ के सदाचार परायण माने अच्छे आचरण के से युक्त होकर साधु स्वभाव पुरुषों के द्वारा समाज में वितरण कर देता है। ये साधु स्वभाव का आप लोग पुरुष बा, अब आपके द्वारा ही पूरा वितरण। गणेश जी व्हाट्सएप पर कुल भेजा था ये, और बदले में कुछ चाहता भी नहीं। भैया बदले में एक को सिक्का न चाहिए, कोई के मेहरारू यहाँ आके स्वामी जी न कहे जाने, और कोई का अन्न न चाहिए, कोई के जो है जमीन न चाहिए, कुछ हो न चाहिए। देखो जौन भगवान कृष्ण जी के लीला बा उनमें जौन ब्राह्मण के कर्म बा वह होता ना कुल का कुल जाने। समाज देखो इतना बा, समाज अपनी इच्छा से जो कुछ दे देता है या भिक्षा से जो कुछ मिल जाता है उसी पर वह बड़ी सादगी से अपनी जीवन यात्रा चलाता है।
उसके जीवन का यही धर्ममय आदर्श है। अब बताओ भवा कि ब्राह्मण के जो स्वरूप बा वो निंदा करे के योग्य बा? एन तो अब भिक्षा भी याचना न करिए। देखो इतना ब्राह्मण के कर्म बा माने समाज बदे कितना बड़ा इनकर योगदान बा, है ना? भिक्षा याचना कहके रहा लेकिन कहन के अब जाए दो, ओके भी जरूरत तो वो अमृत वृत्ति होएगा। अमृत वृत्ति माने कि ठीक बा, भगवान का भजन होता पत्ता पानी पर, कोई अपने इच्छा से कुछ पहुंचा दे, ठीक ये ना भाई? अपन इच्छा नहीं करना बा, अच्छा इच्छा न करे का अर्थ का समझ ले? अंदर से सोचत रहे कि कोनो ले उते ना और बोले मत, ई नहीं, इच्छा के विचार के मन में स्थान तक नहीं देवे के बा। गणेश जी अगर अंदर अंदर सोचता है तब बहरे से नहीं बोलता है तो उ तो पाखंड होएगा। हाँ तो इच्छा के विचार के भी मन में अब स्थान नहीं बा। और ये बतावे जौन असंख्य इच्छा से भरा हुआ मन ही बहन तो उन्हें कहाँ मन में जगह देवे? जब इच्छा के मन में जगह देवे का अधिकार नहीं बा, और जे अनंत इच्छाओं से भरा हुआ बा ओके मन में कहाँ बैठी बे? ये भाव समझ जावा था? अरे ऐसे कैसे हो गए, हम तो बड़ा मानत रहे भैया। नहीं कदा आप तो और मानता है, कम से कम यह आचरण देख करके बुद्धि खुले। तो हर खुला गणेश जी कि वही खुला था बंद होता। सबरवा भोरहरिया में कोई के जगह बंद है तो कई हाँ उठ गए, तब वो ऐसा अनुभव करे होगा तो करे होगा जाने। तो देखो ब्राह्मण का जितना चरित्र सुन ले समाज बदे, ई है चरित्र हो चाहिए ब्राह्मण के योगदान के जोनों की वो प्रति उपकार कर पाई या ने? अब रही बात, एक समरी हो जाता क्षत्रियों की या ने? अब खुद देखो राम जी भाई के अंदर देखो, पहले अपने अंदर देखो फिर वहां देखो फिर जौन जौन नहीं हुआ ओके भर ले। नहीं रिक्त स्थान को भरिए, दूसरे पढ़ाई करे हो वे तो मैं क्या वाला रिक्त स्थान को भरिए, फीलिंग दी गैप, फीलिंग दी गैप। तो क्षत्रिय सब पर शासन करता है, क्षत्रिय का धर्म है सब पर शासन करना, अपराधी को दंड और सदाचारी को पुरस्कार देता है। अपराधी को दंड देता है और अच्छे आचरण करने वाले को पुरस्कार देता है। दंड बल से दुष्टों को सिर नहीं उठाने देता और धर्म की तथा समाज की दुराचारियों, चोरों, डाकुओं, शत्रुओं और जो पाखंडियों से, पाखंडी जो भक्तों का खून पीने वाले हैं उनसे रक्षा करता है। कब महाराज जी तो नौ लिखा हुई तो बात सही बाकी लिखा लेकिन वो कितना बड़ा डकैत बहन, मतलब कुल लूटू लेता है, गतियों बिगाड़ देता है और तनको पता भी नहीं लगे देता है ने? ठीक, क्षत्रिय दंड देता है परंतु कानून की रचना स्वयं नहीं करता।
अब तो चमारा लगन करे नहीं। ब्राह्मण के बनाए हुए कानून के अनुसार ही वह आचरण करता है, ब्राह्मण रचित कानून के अनुसार ही वह प्रजा से कर वसूल करता है, वह अपने से नया नया कोनो निकला रहा ना नया टैक्स जीएसटी, वो अपने से कोनो बनिया बुकड़ी बयान ये समय जो है प्रधानमंत्री तो वो सब एक नया नया लगावत है या ना कुल भ्रष्ट बने व्यवस्था। गुड सर्विसेज टैक्स जरे तो ध्यान दे, ब्राह्मण रचित कानून के अनुसार ही वह प्रजा से कर वसूल करता है और उसी कानून के अनुसार प्रजा हित के लिए व्यवस्था पूर्वक उसे व्यय कर देता है। वो हवाई जहाज में विदेशों की यात्रा नहीं करता, उस पैसे से गुलछर्रे नहीं उड़ाता, ये ना ये प्रेरणा बदे बुलाता यार द्वेष भाव से नहीं। हवाई जहाज में वो बहुत घूम चुका बहन, वो नहीं बाकी कोई के देख के यहाँ द्वेष भाव हुआ। ये नाटक का धर्म गुरु देश तुम्हारा ऐसा चरित्र होगा चाहिए कि कुल देश का लोग तोहरे की यहाँ हुए भिखारीन की तरह तू दौड़ बचा रो, वो तो भिखारी लोग दौड़ा लेने कि राजा जालन दुआरे दुआरे मांगे भीख या न। तो ब्राह्मण के बनाए हुए कानून के अनुसार ही वह आचरण करता, ब्राह्मण रचित कानून के अनुसार ही वह प्रजा से कर वसूल करता है और प्रजा हित के लिए ही व्यवस्था पूर्वक उस कर को व्यय कर देता है। कानून की रचना ब्राह्मण करता है और धन का भंडार वैश्य के पास होता है। छत्री तो केवल विधि के अनुसार व्यवस्थापक और संरक्षक मात्र है, ठीक ना। धन का मूल, अब रही वैश्यों की बात, तो धन का मूल वाणिज्य पशु और अन्न सब वैश्य के हाथ में है। वैश्य धन उपार्जन करता है और उसको बढ़ाता है किंतु अपने लिए नहीं। देखो अपने लिए नहीं, वह ब्राह्मण के ज्ञान और क्षत्रिय के बल से संरक्षित होकर धन को सब वर्णों के हित में उसी विधान के अनुसार व्यय करता है। न शासन पर उसका कोई अधिकार है, कोई बनिया के प्रधानमंत्री बने का अधिकार नहीं बा, साफ साफ भगवान का बाड़ी बा जने, वो बनी तो उल्टा पुल्टा काम करी। कुल मनाई हो गए मेहरारून के विवश तो मेहरारून के मलकिन बना दे कि कुल ओटवा हमरे तरफ आ जाए। जौन पाखंडी धर्म का विरोध करें ओकर आश्रम बना दे कि जौन मेहरारू के मलकिन बनाई तो कुल वोट आई, और जे बाबा जी किया जाता तो बाबा जी के पैसा देव तो बाबा जी सबकर वोट बैंक या नहीं। कुल एकदम स्वार्थी होगा बहन निकृष्ट जीव कहो याने? शासन पर वैश्य का कोई अधिकार नहीं है और न उसे उसकी आवश्यकता ही है, क्योंकि ब्राह्मण और क्षत्रिय उसके व्यापार में कभी कोई हस्तक्षेप नहीं करते, स्वार्थ बस उसका धन कभी नहीं लेते,
वरम उसकी रक्षा ही करते हैं, और ज्ञान बल तथा बाहुबल से ऐसी सुव्यवस्था करते हैं कि जिससे वह अपना व्यापार सुचारू रूप से निर्विघ्न चला सकता है। इससे उसके मन में कोई असंतोष नहीं होता और वह प्रसन्नता के साथ ब्राह्मण और क्षत्रिय का प्राधान्य मानकर चलता है और मानना आवश्यक भी समझता। ये सब राक्षस प्रधानमंत्री बन के ना कुल मांस खाए वालन के हाथे में गीता दे दी है और ओकरे अनुसार खुद तय आचरण नहीं करता है राक्षस। नहीं क्या करबे, क्षत्रिय वीर पुरुष हो तब ऐसा हो, लेकिन अभी जनक जी के बाड़ी बा, अब यहां से का दिया है, तू सब खुद समझ जा जाने ने कि भाई या तो जो है कि तो चलो गीता के ऊपर तब पिशाब करो, या तो मानो बनिया है तो बनियौटी कायदे से करो, घोरे में गुजरात में जाके बनियौटी करो, दुकान खोला अपन है कि कुल किसानन का खून पी करके तू हवाई जहाज में घूम बे। रही बात की सब छोटे स्तर का बात बा, लेकिन अब मने लोक संग्रह के लिए बोलना आवश्यक बा कि अगर तू ये बातिये नहीं मानता तो तू इनका नाम का लेता है। यानी प्रकृति में तीन गुण के अलावा चौथा गुण कौन आ गयल, ये नया नया पाखंड के रचना के जरूरत का है जेके तू मान्यता देता है। खाली भक्तन के खून पियावे बदे और अपन वोट बैंक बनावे बदे तार ये हो तो अपन कानून में लिखा तो भाई फिलहाल ये प्रेरणा बदे बा, जौन कुछ चाहे तोरा सबके माध्यम से बात आगे बढ़ना बा। यहाँ कोनो बुराई नहीं बा, भटक गा बा है सब जने, सही मार्ग से भटका बा, सही मार्ग सुन ले, अच्छा लगे तो करो नहीं तो मरो। कहो गणेश जी। हाँ ठीक, क्योंकि वैश्यों का हित इसी में है, अपने स्वधर्म पे जे रही ओके संतोष मिली, जे अपने धर्म से विचलित हो जाई वह खुशी से राजा को कर देता है, ब्राह्मण की सेवा करता है और विधि पूर्वक विधिवत आदर पूर्वक शूद्र को भरपूर अन्न और वस्त्र आदि देता है। अब रहा शूद्र, तो शूद्र स्वाभाविक ही जनसंख्या में अधिक है, ज्यादा हुई है ने। शूद्र में शारीरिक शक्ति प्रबल है परंतु मानसिक शक्ति कुछ कम है, मानसिक शक्ति कुछ कम है, अतएव शारीरिक श्रम ही उसके हिस्से में रखा गया है और समाज के लिए शारीरिक शक्ति की बड़ी आवश्यकता होती नहीं, परंतु इसकी शारीरिक शक्ति का मूल्य किसी से कम नहीं है। शूद्र के जन बल के ऊपर ही तीनों वर्णों की प्रतिष्ठा है, यही आधार है, पैर के बल पर ही शरीर चलता है। नहीं पैर न रहे तो कैसे चल बे मुंह से। अतएव शूद्रों को तीनों वर्ण अपना प्रिय अंग मानते हैं, जब लिखा गया बा तो लिखा बा कि मानते हैं, लेकिन अब कहाँ मानते हैं शूद्र के। तो यहाँ पर यह होना चाहिए कि तीनों वर्णों को शूद्रों को
सांसारिक शरीर का प्रिय अंग मानना चाहिए, उनकी अवहेलना नहीं करना चाहिए। उनके श्रम के बदले में वैश्य प्रचुर धन देता है, अब नहीं देता है, पहले देता था, तो उनको प्रचुर धन देना, खा पी के फिट रही है तब ने कि भूखे भजन न होई गोपाला, नहीं कम कम पैसा देवे तो देरी दे जाने। क्षत्रिय उसके धन जन की रक्षा करता है और ब्राह्मण उसको धर्म का भगवत प्राप्ति का मार्ग दिखलाते हैं। ऐसा नहीं है, भगवत प्राप्ति में सबका अधिकार है। न तो स्वार्थ सिद्धि के लिए कोई वर्ण शूद्र की वृत्ति हरण करता है, न स्वार्थ बस उसे कम पारिश्रमिक ही देता है, और न उसे अपने से नीचा मानकर किसी प्रकार का दुर्व्यवहार ही करता है। सब यही समझते हैं कि सब अपना अपना स्वत्व ही पाते हैं, कोई किसी पर उपकार नहीं करता, कोई किसी पर उपकार नहीं करता, परंतु सभी एक दूसरे की सहायता करते हैं और सब अपनी उन्नति के साथ उसकी उन्नति करते हैं और उसकी उन्नति में अपनी उन्नति और अवनति में अपनी अवनति मानते। यही से कहते हैं नभवा ता सबकर कल्याण हो, हाँ तभी मान्यता बदल गा बा, दूसरे के दुख में लोग सुखी होता है। जी जी नहीं, ऐसी अवस्था में जन बल युक्त शूद्र संतुष्ट रहता है, चारों में कोई किसी से ठगा नहीं जाता, कोई किसी से अपमानित नहीं होता। एक ही घर के चार भाइयों की तरह, एक ही घर की सम्मिलित उन्नति के लिए चारों भाई प्रसन्नता और योग्यता के अनुसार बांटे हुए अपने अपने पृथक पृथक आवश्यक कर्तव्य पालन में लगे रहते हैं। ये चारों वर्ण परस्पर ब्राह्मण धर्म स्थापन के द्वारा, क्षत्रिय बाहु बल के द्वारा, वैश्य धन बल के द्वारा और शूद्र शारीरिक श्रम बल के द्वारा एक दूसरे का हित करते हुए समाज की शक्ति बढ़ाते हैं। न तो सब एक साथ कर्म करना चाहते हैं और न अलग अलग कर्म करने में कोई ऊंच नीच भाव ही मन में लाते हैं। इसी से उनका शक्ति सामंजस्य रहता है और धर्म उत्तरोत्तर बलवान और पुष्ट होता रहता है। यह है वर्ण धर्म का स्वरूप, यह है वर्ण धर्म का स्वरूप। बताओ भा, ये स्वरूप खराब बा, ये समय नहीं बा, वर्ण धर्म नहीं आश्रमचारी, अश्रुति विरोध सब नर नारी, सब वेद का विरोधी बा जाने। इसी प्रकार गुण और कर्म के विभाग से ही वर्ण विभाग बनता है, परंतु इसका अर्थ यह नहीं कि मनमाने कर्म से वर्ण बदल जाता है। वर्ण का मूल जन्म है,
और कर्म उसके स्वरूप की रक्षा में प्रधान कारण है। इस प्रकार जन्म और कर्म दोनों ही वर्ण में आवश्यक है। केवल कर्म से वर्ण को मानने वाले वस्तुतः वर्ण को मानते ही नहीं। देखो कहाँ मानता है, ब्रह्म जानसी सो ब्राह्मण, ब्राह्मण कुछ नहीं होते हैं, जो ब्रह्म को जानता है वही ब्राह्मण है। तो कहाँ वर्ण मानता है, तो नास्तिक पुरुष भाया कि नहीं, जब भगवान का बनाया हुआ चीज के नहीं मानता है तो नास्तिक बा, और कहे कि पंडित है। तू पंडित नहीं, तू महंत नहीं, तू नास्तिक राक्षस है, और असुरों का जो लक्षण बा तू जान ले, लेकिन जब तू मनते नहीं बा तो तू का जन्म है, तू अपन एक अलग से गीता लिखवे नहीं। भगवान का गीता काट के कुल राक्षस नया नया गीता बना होता है, और वही के पीछे जो ना कुल सरैया गांव दौड़ाता है। स्पष्ट भाषा बा उनका, जाने और यही में सब अड़ा बा, नहीं दिन कड़ी है। जय भाई, मुंगरी लेके ठोक ठोक के गाड़ दी है खूटा की तरह, जाने ध्यान दे। तो अगर वर्ण कर्म पर ही माना जाए, विचार कर लीजिए, तब तो एक दिन में एक मनुष्य को न मालूम कितने वर्ण बदलने पड़े। नहीं, अगर कर्म पर माना जाए तो कितनी बार वर्ण बदलना पड़ेगा, फिर तो समाज में कोई श्रृंखला या नियम ही नहीं रहेगा। आज कहाँ रहेगा, नहीं कुल राक्षस हमरो खून लाल, हमरो खून लाल, ये कौन राक्षस पहला है यार, तू पढ़ा इतिहास पढ़े हो बे, याने सर्वथा अव्यवस्था फैल जाएगी, फैल जाएगी नहीं फैल चुकी है। पर अब इनमें जब लिखा बा तो लिखा बा परंतु भारतीय वर्ण धर्म में ऐसी बात नहीं है, परंतु भारतीय वर्ण धर्म में ऐसी बात सबसे ज्यादा है। जाने यदि केवल कर्म से वर्ण माना जाता तो युद्ध के समय ब्राह्मणोचित कर्म करने को तैयार हुए अर्जुन को गीता में भगवान क्षत्रिय धर्म का उपदेश न करते। देखिए, मनुष्य के पूर्वकृत शुभाशुभ कर्मों के अनुसार ही उसको विभिन्न वर्णों में जन्म हुआ करता है। जाने पिछले जन्म मछली खा रहा था, ले मलहाने में ले खूब मछली खा, जाने ये एकदम पक्का पक्का बा। हाँ, जिसका जिस वर्ण में जन्म होता है उसको उसी वर्ण के निर्दिष्ट, उसको उसी वर्ण के निर्दिष्ट कर्मों का आचरण करना चाहिए, क्योंकि वही उसका स्वधर्म है, और स्वधर्म का पालन करते करते मर जाना। भगवान श्री कृष्ण जी ने कल्याण कारक बतलाया है, जाने स्वधर्मे निधनम श्रेयः। साथ ही पर्व धर्म को भयावह नहीं, जय भाई कौनो एक कुनबी रह रामलाल करके दान लेत रहा, ओकर जो हाटवे में छेद होएगा। तो भगवान ही कहता है कि जे दूसरे के धर्म में जो है कि आंख गड़ावला ओकर गति बड़ा
भयानक होला भगवान कहे बहन जाने हाँ। यह ठीक ही है क्योंकि सब वर्णों के स्वधर्म पालन से ही सामाजिक शक्ति सामंजस्य रहता है। यह कुल अंग्रेजवन नियमन आके तोड़े। आज सब जने पंडित जी लोगन के बोला तो शुरू कर दे लेकिन एक पीछे कारण का भयल वो कारण कोई देखत नहीं। याने? जब देश आजाद हो गल 72 साल बीत गल राक्षस राव तब वो से कम ब्राह्मण के उचित उन्हें मतलब की व्यवस्था दे कि ब्राह्मण देवता लोग आप लोग अपने अपने धर्म पे आवो। बड़ा कुल जो है कि मियां मुकड़ी और कौन अंग्रेज अंग्रेज आकर के कुल चौपट करे बहन ओकर प्रेरणा न देवे के बजाय उल्टे जोन हो याने? तो कब का करबे ये सब बाबा। देखिए जब शक्ति सामंजस्य बनेगा तभी समाज धर्म की रक्षा और उन्नति होती है। नहीं स्वधर्म का त्याग और पर धर्म का ग्रहण व्यक्ति और समाज दोनों के लिए हानिकर है। खेद की बात है कि विभिन्न कारणों से आर्य जाति की यह वर्ण व्यवस्था इस समय लुप्त हो चुकी है। आज कोई भी वर्ण अपने धर्म पे आरूढ़ नहीं है। नहीं जहां से पैसा मिले उहे यह न भाई। सभी मनमाने आचरण करने पर उतर गए हैं जिसका कुफल प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है सबको। यही ना तो भैया इस प्रकार से ये रहा वर्ण धर्म की व्यवस्था ठीक ना। और भगवान साफ साफ कहे हैं कि अपने अपने वर्ण धर्म के अनुसार ही कर्म करने पर परम सिद्धि को मनुष्य प्राप्त होते। आपन छोड़ के दूसरे के धर्म पकड़ना ऐसे समाज भी असंतुलित और खुद के तो अधोगति होना ही होना बा जाने ठीक ना। तो ये रहा वैश्य और शूद्र के धर्म और साथ में चारों वर्णों के धर्म को भी बता दिया गया। और कलयुग पाही धर्म पर आही कलयुग के आने से धर्म भाग चुका है कंदराओं में जाके छिप के बैठा है। उसको जो है लोग प्रयास ही नहीं कर रहे हैं। जागृति हो जाए तो धीरे धीरे धर्म जागृत हो जाएगा और शांति सुखमय जीवन मनुष्य व्याप्त करके परम सिद्धि को प्राप्त करना शुरू कर देंगे। ऐसे ना ही बा कहीं देखो इतना तो उम्र हो जाता कोई मोह माया छोड़ के मरता भाई जी। तो आज इसी बाड़ी के साथ बोलिए कृष्ण भगवान की जय सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय हर हर महादेव जय श्री कृष्णा जय श्री राम जय श्री कृष्णा जय श्री राम। सबका परम कल्याण हो भैया।